नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर कैंडी टब के फूलों के साथ। तो जब मैंने आपको विंटर के सीड चुनना बताया था, तब कैंडी टब के फूलों पे बीज नहीं आया हुआ था दोस्तों, और ऐसा कुछ भी साइन नहीं दिख रहा था ताकि मैं आपको समझा भी पाऊं। लेकिन अब जैसे कि आप कमेंट कर रहे हो कैंडी टब के बीजों को भी चुनना बताओ, तो अब ये कुछ दिन से बीज बनने शुरू हो गए हैं, इन प्लांट्स पे मैच्योर हो गए हैं थोड़े से। तो आपके अगर मैच्योर हो गए हो तो दोस्तों इसके सीड जो है ये फलियां ही होती हैं इसके, ये देख रहे हैं आप। और जो हमारे दूसरे तरीके होते हैं भी, फूलों के नीचे कुछ बनेगा उसमें से सीड निकलेंगे, तो इसका थोड़ा सा दोस्तों अलग ही है तरीका। इसमें ये सारी की सारी फलियां बन जाती हैं, यही इसके सीड होती हैं हरी हरी सी। तो कैंडी टब के फूल जब आपके खत्म होने पे आ जाएं तो नीचे से यही बनना शुरू हो जाती हैं। और ये देखिए कितनी सारी फलियां बनी हुई हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास कितने सारे कैंडी टब के सीड होंगे और उनसे आप अच्छे अच्छे प्लांट भी उगा सकते हो। तो जिस मेरे बहन भाई के इस तरह से मैच्योर हो गए हो कैंडी टब के प्लांट्स, तो ये अगर उसके ब्राउन हो गए हो, ये रुको मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अगर ये चीज उसकी ब्राउन होगी हो तो वो बिल्कुल दो चार दिन शेड में रख के और सुखा ले उसको, और फिर जिप लॉक बैग में अपना नाम लिख के, जैसे मैं करती हूँ, मैं वैसे ही बता रही हूँ, और नाम लिख के और फिर अपना सेव करके रख ले नेक्स्ट टाइम के लिए। तो बस दोस्तों यही तरीका था कैंडी टब का। तो चलो आओ और भी कुछ देख लेते हैं अपने गार्डन में। ये देखिए जो मैंने सदाबहार के बीज इसमें डाले थे, तो कैंडी टब का मौसम जाने वाला है और सदाबहार नीचे से निकलने लग जाएंगे गर्मियों के लिए। तो मैं दोस्तों इस तरह ही मिक्स एंड मैच करके और टाइमली ऐसी बीज डालती रहती हूँ, ताकि जो हमारे पहले वाले प्लांट मैच्योर भी हो जाएं तो हमारा जो गमला है वो खाली ना हो, नीचे से हमारे और भी प्लांट तैयार हो जाएं। और ये देखिए सारे के सारे हमारे जो गर्मियों वाले पौधे हैं जिनकी मैंने सर्दियों में प्रूनिंग की थी, वो सब नई नई ग्रोथ पे आ गए हैं दोस्तों। मैंने इसकी गोरी चोरी का पौधा है ये बड़ा, और मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, और उसके बाद से देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर लीव्स आए हैं, और देखो सारा खूब बढ़िया से चल रहा है। और डहेलिया का दोस्तों वैसे मैंने बता दिया था आपको कैसे आपने सेव करने हैं इसके बल्ब, लेकिन अभी कोई फूल तो नहीं खिल रहा, लेकिन चलो जो मैंने बल्ब निकाले उससे बता दूंगी, नहीं तो इसका फूल सूख जाता ना बिल्कुल ही, उसके नीचे से भी सीड निकलते हैं इसके। और ये देखिए दोस्तों कितना हरा भरा गमला हो रहा है ये। तो भले ही हमारे विंटर के प्लांट हम निकाल दें, गुलदाउदी को तो निकालेंगे नहीं, अगली बार फिर फूल आएंगे इसमें, और जो निकालने लायक होंगे निकाल देंगे, और ये सदाबहार तो हमारी गर्मियों के हैं ही। तो ये थे दोस्तों जो मैंने डेलिया के मेरे प्लांट सूख गए थे, मैंने उनके बल्ब निकाले थे, तो उन्हीं में से एक दिखा रही हूं मैं आपको। तो इस तरह से दोस्तों आपके बल्ब निकलेंगे ये शकरकंदी के जैसे छोटे छोटे से। यहां से मैंने कट कर दिया था जो ऊपर का पोर्शन सूखा था, अब इसको दो चार दिन शेड में मैं सुखा के फिर अखबार में लपेट के अगले टाइम के लिए मैं इसको सेव करके रख दूंगी, और सितंबर या अक्टूबर में फिर से इसको जमीन में दबा दूंगी। और ये दोस्तों हमारे नोस्ट्रिशियम के प्लांट्स जो आप विंटर प्लांट पूछते रहते हो हमारे जल रहे हैं, तो हमारे यही विंटर के प्लांट है जो मैंने शेड में रखे हुए हैं, और ये देखो अब तक बचे हुए हैं क्योंकि हमने शेड में रख दिए थे ये, और इनको अब गर्मियों की धूप की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट इनको मिलते रहे उसमें खूब अच्छे से चलेंगे, और ये अब इनमें बीज भी बनने शुरू हो गए हैं। और शेड में रखने के कारण दोस्तों इनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ये देखिए जो भी शेड में रखे हैं उनकी सबकी हेल्थ देख लो आप, देखो कितने अच्छे से चल रहे हैं, है ना, और बिल्कुल भी इन पे कोई भी धूप का भी इफेक्ट नहीं हो रहा, और इतनी रोशनी इनके लिए काफी है जितनी मैंने इनको दे रखी है, और यहां धूप भी नहीं आती। और ये देखो सारे खूब मिक्स होके खूब बढ़िया से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका भी मैं आपको हाल दिखाऊंगी जो कि हमारे धूप में होने के कारण सारे खराब हो गए हैं। खराब क्या हो गया, मतलब उनका टाइम खत्म हो गया धूप में होने के कारण, तभी मैं कहती रहती हूँ कि थोड़ा शेड में रख दो तो कुछ टाइम और पकड़ लेंगे और सुंदर बने रहेंगे हमारे गार्डन में। टाइम तो खैर इनका अब जैसे जैसे धूप बढ़ेगी फिर इनका खत्म ही हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन और इनको एंजॉय कर ले। तो ये दोस्तों वो प्लांट है जो धूप में रखे हुए हैं और ये मैच्योर हो गए हैं, और इन्होंने सीड भी छोड़ दिए हैं, और अब ये लगे हुए भी नहीं अच्छे लग रहे, और ये हमारी चांदनी पे भी नई नई ग्रोथ आनी शुरू हो गई। आप कहते हो ना सारे पत्ते झड़ गए सूख गया, ऐसा कुछ नहीं होता, देखो मेरे भी अभी अभी आनी शुरू हुई है, तो बिल्कुल आपने छेड़ना नहीं है, वो अपने आप ही ग्रोथ पे आ जाएगा, उनका अपना टाइम है। तो ये देखिए है ना जो मैच्योर हो गए ना, जरा सा हाथ लगाती टूट के गिर रहे हैं बीज, ये है दोस्तों नोस्ट्रिशियम के फ्लावर के बीज जो आप पूछते रहते हो, तो कईयों को तो जिनकी मैंने पैकेजिंग की उनको गिफ्ट भी करे हैं खूब,
यहीं से निकाल निकाल के किए हैं, क्योंकि ये प्लांट बहुत सुंदर था दोस्तों और इसके फूल भी बड़े प्यारे आ रहे थे। तो अब लेकिन धूप में होने के कारण, जब इसका मौसम ही नहीं है और इतनी तेज धूप का तो है भी नहीं, ये प्लांट सर्दियों का प्लांट है वैसे भी, तो ये चलेगा कैसे। तो बस मैं अब सोच ही रही हूं, क्योंकि पत्ते अब धूप में होने के कारण कुछ प्लांट के खराब होने लगे हैं दोस्तों, तेज धूप पड़ने के कारण। और बस मैं इनके बीज निकाल के इनको हटा ही दूंगी बस अब, क्योंकि देखो लगे हुए भी नहीं अच्छे लग रहे अभी, है ना, गंदे से लग रहे हैं बिल्कुल ही, और खामखा की जगह भी घिर रहे हैं। लेकिन चलो छोड़ो, आते हैं अपने और प्लांट पे जिन पे नए नए फ्रूट लगने शुरू हो गए हमारे किचन गार्डन में। ये देखिए बैंगन लगने शुरू हो गए अपने, ये देखो और भी दिखाऊंगी, मैंने कल पानी दिया ना तब और भी देखे थे, अभी दिखाती हूँ रुको, दिखाती हूँ, छोटे छोटे बनने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों जो मैंने आपको 3G कटिंग करनी बताई थी बैंगनों पे, उसके बाद एक भी जो फूल झड़ा हो इनका कुछ भी नहीं हुआ, सारे के सारे फूल लगे हुए हैं और सभी फूलों से बैंगन बनने भी शुरू हो गए हैं। ये है रिजल्ट मेरी 3G कटिंग का। तो ये देखिए वो पूर भी था और भी है कहीं, चलो लेकिन फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं ढूंढूंगी तो, है ना। लेकिन बस आपने देख लिया कि लगने शुरू हो गए हैं। और दोस्तों ये देखिए धूप का असर, अब 2-3 दिन से इतनी तेज धूप पड़ रही है, ये देखो इंग्लिश गुलाब ये कुमला गया है बिल्कुल ही, फूल तो खिला है लेकिन इसकी पत्ती देखो, अभी 3-4 दिन पहले जब मैंने वीडियो बना के दिखाया आपको गुलाब का, देखो कितनी सुंदर पत्तियां थी इसकी, है ना। अब तेज धूप पड़ने के कारण दोपहर में बहुत तेज धूप हो जाती है, सुबह शाम तो है अभी ठंडक लेकिन दोपहर की धूप, दोस्तों गुलाब ऐसा पौधा है जिसको ज्यादा धूप पसंद नहीं है, तो इसको मैं बिल्कुल ही, भले ही कोई कहे सूरज की रोशनी से अच्छी लगती है, लेकिन मैं हमेशा अपने गुलाब को इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में और पौधों के साथ ऐसे घुसा के रखती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। ये देखिए ऐसे घुसा के रखने से एक मॉइस्चर सा बना रहता है, लेकिन फिर भी धूप का असर इन पे पड़ने लग गया है। तो बस अगर मुझे आज टाइम लगेगा ना, जब भी लगेगा बस मैं इनकी जगह बदलने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ तेज धूप आने लगी है। ये अपनी अंगूर की बेल है और ये दोस्तों हमारी टमाटर की सीडलिंग तैयार हो गई है, जो मैंने टमाटर के बीज डाले थे, ये देखिए कितनी अच्छी है, अभी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना फिर इनको अलग अलग कर दूंगी। और ये हमारे गजानिया के फूल, और दिखाती हूँ, और ये देखो दोस्तों ये भी हमारी टमाटर की सीडलिंग तैयार हो रही है ना। आप कह रहे होंगे कि एक एक पॉट में कितनी कितनी सारी चीजें लगा रखी है, मेरी यही आदत है दोस्तों। और गेंदे को तो मैं बीच बीच में हमने अपने प्लांट्स के हमेशा साथ लगाती हूँ, ताकि हमारे प्लांट्स किसी भी इन्फेक्शन से बचे रहें। और ये हमारे और भी सारे गर्मियों के प्लांट जो आप पूछते रहते हो ग्रोथ नहीं आई, तो मेरी भी अभी अभी आनी शुरू हुई है दोस्तों, कुछ दिन वेट कर लो अपने आप आ जाएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो मोटी मिर्च का, जो अचार वाली मिर्च होती है ना, देखो मैंने सारा काट दिया था, ये देखो नई नई ग्रोथ आ गई है ना। बस आपने छेड़ना नहीं है और ना ज्यादा ध्यान देना है। तो ये देखो सब ठीक ठाक चल रहे हैं, है ना। और ये आम पे भी खूब अच्छा बोर आया हुआ है। तो दोस्तों आम का पेड़ आप एंजॉय करते रहे वीडियो में, लेकिन मैंने आपके साथ एक बात भी डिस्कस करनी है कि कुछ दिन से मतलब जब से ग्रुप बनाया, कुछ लोग कर देते हैं ऐसी हरकत कि अपने आप को ही प्रमोट करते हैं, वो मैंने आपको बताया ही था। लेकिन कुछ लोग अब क्या करने लग गए हैं, अपना सामान ही सेल करने लग गए हैं। और शुरुआत में क्या 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 सेल करेंगे कि हम फ्री दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक बनी बनाई मार्केट प्लेस हमारा ग्रुप उनको मिल रहा है। और गार्डन के जितने भी शौकीन लोग होते हैं दोस्तों, वो सब बहुत भोले भाले लोग होते हैं, बिल्कुल नेचर लवर होते हैं, और उनको फंसाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। ये वही लोग होते हैं जिनकी शॉप्स होती हैं या कुछ भी ऐसा होता है जिनका माल नहीं बिक रहा, और शुरुआत उनकी ऐसे फ्री साइट मिल रही है उनको पकी पकाई, और कस्टमर मिल रहे हैं पकड़ने के लिए, जो थोड़ा बहुत सीड का पैसा अगर लग रहा है तो वो कोई बात नहीं। क्योंकि दोस्तों शुरुआत वो क्या करेंगे, आपको फ्री सीड देने से ही करेंगे, आपको लालच दिलाने के लिए। लेकिन दोस्तों आज एक गिलास पानी भी बाहर फ्री का नहीं है, आप समझा करो इनकी चाल को, इनकी बातों को। शुरुआत में फ्री देंगे, फिर आप कस्टमर बन जाओगे इनके और उनका एक मार्केट प्लेस तैयार हो जाएगा। लेकिन हमने ग्रुप दोस्तों अपनी गार्डनिंग की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए बनाया था। मैं खुद से, मैंने वेबसाइट बनाई हुई है, ऑनलाइन स्टोर बनाया हुआ है, मैं खुद को ही प्रमोट नहीं करती कभी भी। तो मैंने ग्रुप इस इंटेंशन के साथ ही बनाया था दोस्तों, कि हम लोग आपस में जो भी हमारी गार्डनिंग की प्रॉब्लम है, यूट्यूब पे कई बार हम पिक्स नहीं भेज पाते या नहीं हम प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते, तो ही मैंने ग्रुप बनाया था। कि व्हाट्सएप पे आप इमेज भी भेज सकते हो, और ग्रुप मैंने इसलिए बना दिया था क्योंकि दोस्तों आपको पता है मैं मोबाइल से इतनी कनेक्टेड नहीं हूं, तो कई बार मुझे भी टाइम लग जाए, घर का काम भी होता है मेरा अपना भी, और आपको पता है 2-3 चीजें और भी छेड़ दी हैं।
ऑनलाइन से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता टाइम। तो ग्रुप में क्या होता है, हम सब गार्डन को प्यार करने वाले हैं, गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं, तो हमें पता भी होता है कि कई बार हमें एक चीज का नहीं पता, दूसरे को पता होता है उस चीज के बारे में। तो अगर वो हमें कुछ सजेस्ट करता है, हमारा भला हो जाए, तो इस तरीके से, इस सोच के साथ मैंने ग्रुप बनाया था दोस्तों, ताकि आप लेट भी ना हो मेरे कमेंट के जवाब में, और आपस में ही हम सब मिलके, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के जो भी मेरे मेंबर्स हैं, वो सब एक गुड लिविंग का ग्रुप बना के एक दूसरे की समस्या को सुलझा लें, अच्छी अच्छी बातें आपस में शेयर करें, ना कि अपने चैनल को प्रमोट करें और अपने सामान को बेचने का अड्डा बनाएं इसको। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। तो मेरे पास 3-4 दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैम ये आदमी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, और मैंने दोस्तों उसको मना भी बहुत किया, नाम तो नहीं लूंगी मैं खैर, मैंने उसको मैसेज भी किया, कमेंट भी करके मना किया ऐसा ना कर, लेकिन वो बाज ही नहीं आ रहा था किसी भी तरीके से। तो इस तरह के चक्कर में आप बिल्कुल ना आया करें, फ्री व्री के चक्कर में, और बिल्कुल ऐसे आदमी को इग्नोर किया करें, और साफ साफ अपने ही बात से उसको जवाब दे दिया करें। बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आप नवरात्र हैं तो सुबह ही मैंने भी वीडियो बना दी, तो करते हैं माँ धरती की सेवा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।